12 जून को भिवंडी शहर के समरूप बाग न्यू गौरीपाड़ा इलाके की कदीम मस्जिद के सामने एक गुस्सेल पाड़े ने नियाज अहमद नामक एक शख्स को अपनी सींग में उठाकर हवा में लहरा दिया था, जिससे नियाज अहमद गंभीर रूप से घायल हो गया था। नियाज अहमद की मुंबई के अस्पताल में मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक महज 2 महीना पहले ही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ गांव से अपने माता पिता का पालन पोषण करने के लिए नियाज अहमद भिवंडी आया हुआ था। किसी परिचित ने उसे भिवंडी शहर के दरगाह रोड स्थित अल हरमैन बेकरी में काम पर लगवा दिया था। रोजमर्रा की तरह नियाज अहमद 12 तारीख को भी अपने काम पर यानी कि बेकरी में आने के लिए घर से निकला था कि तभी कदीम मस्जिद के सामने एक गुस्सेल पाड़े ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाते हुए आगे दौड़ रहा था, जिसमें से चौथा नियाज अहमद ही था, जिसे गुस्सेल पाड़े ने अपने सींग में उठाकर हवा में लहरा दिया था और वो जमीन पर गिर गया था। जब लोगों ने नियाज अहमद को उठाकर नजदीकी एक दवाखाने में ले गए तो पता चला कि उसकी आंत पेट के बाहर आ गई है। आनन फानन में उसे पहले भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मुंबई के लिए रेफर कर दिया था, लेकिन बेकरी के मालिक ने उसे भिवंडी शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर ऑपरेशन के बाद नियाज अहमद की स्थिति ठीक भी हो रही थी। लेकिन अचानक 2 दिन बाद उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे मुंबई के जे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान कल उसकी मौत हो गई। नियाज अहमद को क्या पता था कि 1500 किलोमीटर दूर अपने घर से, जहां अपने और अपने माँ बाप की जीविका चलाने के लिए जा रहा है, वहां उसकी मौत इंतजार कर रही है। जे अस्पताल से कागजी कार्रवाई करने के बाद नियाज अहमद का शव भिवंडी लाया गया, जहां पर बेकरी में काम करने वाले ही कुछ मजदूरों ने और उसके बड़े भाई ने अपने छोटे भाई नियाज अहमद को सुपुर्दे खाक कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।